हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस 41,520 की जो वैकेंसी की जो भर्ती अभी चल रही है, जिसमें सिविल का जो अभी मेडिकल चल रहा है, तो उसमें जो मेडिकल में जो गड़बड़ी हो रही है, कहाँ से हो रही है, किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है और कैसे हो रही है, वो सारी इसमें बात करने वाले हैं। इसमें जो बहुत बड़ी न्यूज़ अभी है, आज निकल के आई है कि यहाँ पे 50,000 रुपये एक एक बच्चे से लिए जा रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपको मेडिकल में फ़ेल कर दिया जाएगा। उनको डरा के धमका के किसी भी तरीके से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ये सारा मामला आज संज्ञान में आया हुआ है, तो आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं। अब तक करीब इससे 1 से 2 दर्जन बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं। तो कहीं आपके साथ अभी अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी कहीं जाके शिकायत कीजिए अपने नज़दीकी किसी थाने में, कहीं भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अगर आप कुछ भी डालते हैं तो अगर सच्चाई है तो वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी है, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, कुछ भी कहता है कि आप पैसे दीजिए, मैं आपको मेडिकल में पास करवा दूंगा, ऐसा है वैसा है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल इसका जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप पैसे वैसे देने वाले के चक्कर में मत पड़िएगा, जो दलाल होते हैं उनके चक्कर में मत पड़िएगा। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में जो निकला है उसको भी देख लेते हैं क्या निकला हुआ है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लखनऊ सिटी अमर उजाला है ये, आज दिनांक जो है वो 26, तो आज का जो न्यूज़पेपर है अलीगढ़ का जो न्यूज़ है ये, इसमें पढ़ के देखते हैं। मैं आपको पढ़ के मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या है, क्या मंजरा था। तो अलीगढ़ रिश्वतखोरी में स्वास्थ्य विभाग के संविदा तकनीशियन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस भर्ती मेडिकल प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। गिरफ्तार संविदा कर्मी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह अब तक 1 दर्जन से आवेदकों से रकम ऐंठ चुका है। पुलिस अब उससे जुड़े डॉक्टर और उससे संपर्क में रहने वाले लोगों से भी जाँच करा रही है। जांच में एक बड़े नामों को शिकंजा कसा जा रहा है। एसएसपी ने मामले में जिलाधिकारी को मेडिकल बोर्ड की जांच कराने के संबंध में पत्र लिखा है, जिसे पर एक विभागीय जांच अलग से शुरू की जाएगी। वहीं गिरफ्तार किया गया संविदा कर्मी को बृहस्पतिवार को सिविल लाइंस पुलिस में ने मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया, जहां रिमांड के बाद उसे जयपुर भेज दिया गया है। एसएसपी आकाश कलहरी के अनुसार गोंडा के एक ढांड निवासी कैलाश चंद्र ने उससे रिश्वत की थी, यानी शिकायत की थी कि उसके बेटे से विनीत कुमार सिंह मेडिकल फिटनेस के नाम पर 50,000 रुपये मलखान सिंह जिला अस्पताल के संविदा तकनीशियन सुशील कुमार ने लिए। आरोप था कि उसे धमकाया गया कि रुपए नहीं देने पर उसे फेल कर दिया जाएगा। तो उसे डरा धमका के इस तरीके से 50,000 रुपये ऐंठे जा रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप भी अपने थाने वाने में जाँच करवा दीजिए, मतलब रिपोर्ट करवा दीजिए। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि मैं आपका कोई फिट करवा दूंगा।